पोको, अगर आप स्मार्टफोन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको पता होगा कि सदियों पहले पोको नाम की एक प्रजाति ने अपना एक फोन लॉन्च किया था जो कि था पोको F1, जिसने पूरे मार्केट में तबाही मचा दी थी। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि पोको ने अपनी F सीरीज को मानो वनवास भेज दिया हो, कोई भी अपडेट नहीं, कुछ भी नहीं। सदियों के वनवास के बाद, सदियों के इंतजार के बाद पोको ने अपना एक ब्रांड न्यू फोन लॉन्च किया है जो कि है पोको F2 प्रो, जो कि काफी बढ़िया फोन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पोको F2 प्रो के प्राइस, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ जानेंगे। पर उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जो हमारा फ्रेशली ब्रूड कंटेंट है वो आप तक पहुंचता रहे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, जैसे कि यूमर्स थे कि ये फोन एज इट इज K30 प्रो ही है, रेडमी K30 प्रो, जो कि एक पोको के एक रिब्रांड वर्जन में आने वाला है। सो बिल्कुल ऐसा ही हुआ, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ये फोन रेडमी K30 प्रो ही है। ये थोड़ा सा सेटबैक है, मुझे लगा कि ये मीन्स पोको वाले कुछ एक नया फोन निकालेंगे फ्रॉम स्क्रैच, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सो वैसे तो ये K30 प्रो ही है, पर ये फोन वापस से लॉन्च हुआ है तो आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस तो बताने ही पड़ेंगे। सो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो आपको इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 865, जो कि अब तक का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। उसमें आपको GPU मिलता है एड्रीनो 650। उसके आगे आपको इसमें मिलती है LPDDR5 रैम, और उसके साथ आपको रीड एंड राइट स्पीड के लिए आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है। मतलब कि ये अब परफॉर्मेंस में तो ये काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, जिससे कि इसका अंतुतु स्कोर आता है 5,89,000 प्लस। काफ़ी बेहतर फ़ोन है। मतलब कि अगर मैं आपको समझाऊँ कि एक आध साल पहले ये जो स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे थे उसके अंतुतु स्कोर्स आते थे 4 लाख टू 4,50,000 के आसपास, पर अभी ये 6 लाख को भी टच करने वाले हैं। मतलब कि आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट टेक्नोलॉजी, और वही इस चैनल का मोटिव है कि जो टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें आ रही है वो उसकी आपको एक एजुकेशन दे, प्रॉपर एजुकेशन दे, जिससे कि आप भी अपडेटेड रहो। सो अगर आपको एजुकेटेड रहना है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिर हम बात करते हैं इसके कूलिंग की। तो आपको इसमें मिलता है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी 2.0, जो कि पोको बोलता है, और इसमें आपको एक 2D मीन्स ज़्यादा सर्फेस एरिया वाला आपको एक वेपर चेम्बर मिलता है, जिससे कि आपकी जो कूलिंग स्पीड है वो ज़्यादा होगी और आपकी जो फ़ोन की जो टेम्परेचर होगा वो 2-3 डिग्री थोड़ा कम रहेगा, जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस होगी वो और ज़्यादा आपको मिलेगी। हम बात करते हैं डिस्प्ले की। तो आपको इसमें मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, और अगर आपको इसमें एमोलेड मिलता है तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो ज़रूर से मिलेगा ही। फिर इसके साथ ही आपको मिलता है 92.7% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। फिर अगर हम फीचर की बात करें तो आपको इसमें मिलता है HDR10+ का सपोर्ट, और उसके साथ ही वाइड वाइन L1 का भी सर्टिफिकेशन मिलता है, जिससे कि आप अपने नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम के कंटेंट आप HD+ में देख सकते हो। और अगर मैं कुछ डिफरेंट की बात करूँ तो आपको इसमें मिलता है 360 डिग्री का एम्बियंट लाइट सेंसर, जिससे कि मतलब अगर मैं इसे सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करूँ तो आपको नॉर्मल फ़ोन में सिर्फ एक ही लाइट सेंसर मिलता है, जो कि आपको फ्रंट की तरफ मिलता है, जिससे कि जो आपकी ऑटो ब्राइटनेस होती है वो कंट्रोल होती है। पर आपको इसमें 3-3 लाइटिंग सेंसर मिलते हैं जो आगे पीछे और साइड में होते हैं, जिससे कि जो आपकी जो ऑटो ब्राइटनेस की जो इंटेंसिटी होगी वो काफ़ी एक्यूरेट होगी। आपको मिलती है 180 हर्ट्ज की टच सेंसिंग रेट, जो कि काफ़ी बढ़िया है। फिर हम बात करते हैं बैटरी की। तो आपको इसमें मिलता है एक मैसिव 4700 mAh की बैटरी, जो कि काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतर है। उसको चार्ज करने के लिए आपको मिलता है 30 वॉट का फास्ट चार्जर इनसाइड द बॉक्स, जिससे कि जो आप अपनी 100% बैटरी कर सकते हो सिर्फ 63 मिनट के अंदर। और इधर एक चीज़ नोट करने की वो है कि आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलता है। फिर हम बात करते हैं डिज़ाइन की। तो आपको इसमें आगे और पीछे दोनों साइड कॉइनिंग और गोरिल्ला ग्लास 5 का सपोर्ट मिलता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम फील देता है। फिर अगर हम कलर की बात करें तो आपको इसमें 4 डिफरेंट कलर मिलते हैं, जो कि है नियॉन ब्लू, फैंटम वाइट, इलेक्ट्रिक पर्पल एंड साइबर ग्रे। फॉर पर्सनल चॉइस मुझे नियॉन ब्लू काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एनर्जेटिक लगा। फिर चलते हैं कैमरा की तरफ। तो आपको इसमें पीछे मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, जो कि एक ट्रेंड है 2020 में, और उसमें आपको मेन कैमरा मिलता है 64 मेगापिक्सल का, जो कि आता है सोनी IMX686 सेंसर के साथ,
जो कि एक फ्लैगशिप सेंसर है। फिर उसके बाद आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड 123 व्यूइंग एंगल के साथ एक सेंसर। फिर उसके साथ है एक टेली माइक्रो 5 मेगापिक्सल का एक कैमरा, जिससे कि आप 2x तक एक माइक्रो शॉट को जूम कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको मिलता है एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा, जो कि मीडियम है, थोड़ा नहीं देता, फिर भी कुछ कमी होती नहीं। और वीडियो में आप 8K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। और उसके साथ ही आपको 3 नए फीचर मिलते हैं, जो कि है पोर्ट्रेट वीडियो, प्रो मोड एंड वीडियो स्टेबलाइजेशन। फिर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो आपको इसमें 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतर है, एवरेज है, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ खास है, वो है कि आप इसमें स्लो मोशन सेल्फी भी ले सकते हो, वो जो कि काफ़ी बेहतर चीज़ है। आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलती है एक कमाल की लो लाइट परफॉर्मेंस, जिसे देख के मैं खुद इम्प्रेस हो गया था। फिर हम बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट मिलता है। उसके साथ ही आपको एक सुपर ब्लूटूथ, मतलब ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट मिलता है। उसके साथ ही आपको IR ब्लास्टर, NFC और सबका प्यारा हेडफोन जैक का भी सपोर्ट मिलता है। और एक चीज़ की, ये फ़ोन सिर्फ ग्लोबली लॉन्च हुआ है, अभी तक ये इंडिया में नहीं आया है, इसीलिए आपको इसमें मिलता है 5G का सपोर्ट। पर जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा, तब पोको ने ये कन्फर्म किया है कि ये सिर्फ 4G को ही सपोर्ट करेगा। फिर हम चलते हैं प्राइसिंग की तरफ, तो आपको इसमें 2 वेरियंट मिलते हैं, जो कि सबसे पहला है 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ, जो कि लॉन्च हुआ है 499 यूरोज में। जब हम इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, तो रफली 40,000 के आसपास का फिगर आता है। पर जब ये फ़ोन इंडिया में आएगा, तो मेरे ख्याल से 35-36 के आसपास होगा। फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट वेरियंट की, तो आपको इसमें 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, जो कि लॉन्च हुआ है 599 यूरोज में, जो कि 49,000 के आसपास आया है। पर अगर ये फ़ोन 40,000 के अंदर लॉन्च हो जाता है 8GB रैम वाला, तो ये काफ़ी बेहतर चीज़ होगी, ये काफ़ी अच्छी डील होगी। और जब ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, तो हम इसके इंडियन स्पेसिफिकेशन और इंडियन प्राइस की एक सब कुछ एक लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुआ उसके बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडे। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो हमारी 66% व्यूइंग ऑडियंस है, वो हमें सब्सक्राइब नहीं कर रही। सो आज हम आपको सिखाएंगे कि हाउ टू सब्सक्राइब टेक्नो माइंड्स को। बेसिकली करना क्या है कि आपको हमारे कोई भी एक YouTube वीडियो में जाना है, और यहाँ पे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखेगा, मतलब कि यहाँ पे एक कंसेप्ट है, जो कि लाल कलर होता है वो डिंजे का कलर होता है, और ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर होता है वो YouTube की दुनिया में एक पीस का कलर होता है। तो आपको इस लाल कलर को कन्वर्ट करना है ग्रे, व्हाइट और ब्लैक कलर में, और किसी के भी एक कलर में। फिर उसके बाद, जैसे कि आप मंदिर में जाते हो, तो आपको एक बेल बजानी होती है, सिर्फ उसी तरह जब आप टेक्नो माइंड्स के इस पवित्र मंदिर में आते हो, आपको भी एक बेल बजानी होती है, पर सिर्फ एक ही बार, और वो भी थोड़ी टेक्निकल बेल है, और वो भी थोड़ी एक जादू से बेल आएगी। मतलब कि आपको करना क्या है कि जब आप यहाँ पे सब्सक्राइब बटन दबाओगे, तो आपके साइड में एक बेल आइकन दिखेगा, आपको उसे प्रेस करना है और वो ऑल पे क्लिक करना है। सो गाइज, वेलकम टू द टेक्नो माइंड्स यूट्यूब चैनल। आप भी एक फैमिली मेंबर बन चुके हो टेक्नो माइंड्स के, नहीं दबाया तो जाओ करो सब्सक्राइब, जल्दी से करो यार। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टूडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू कंटेंट। जय हिंद, वंदे मातरम।